मून एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। फेक कॉल सेंटर के जरिए करोड़ों की ठगी। दिल्ली में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। अब तक इसके जरिए 4 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की गई है। ये कॉल सेंटर साउथ दिल्ली के सुल्तान मंडी रोड पर चल रहा था। ये लोग हर दिन 6 अमेरिकी नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में छापेमारी के बाद 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अवैध कॉल सेंटर 7 महीने से चल रहा था। अब तक ये लोग 1,250 अमेरिकी नागरिकों से 4 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। छापेमारी के बाद 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 महिला कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने इस छापेमारी में 29 कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। ये कॉल सेंटर साउथ दिल्ली के सुल्तान मंडी रोड पर चल रहा था। कॉल सेंटर के लोग अमेजन इंक के कर्मचारी होने का दिखावा कर रहे थे और VOIP कॉलिंग जैसी अवैध तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से जो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, उनमें से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई अमेरिकी लोगों के मोबाइल नंबर थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे अमेजन के ग्राहकों के फोन नंबर पर फर्जी मैसेज भेजते थे, जिसमें कहा जाता था कि उनकी अमेजन ID हैक कर ली गई है और उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। जब ग्राहक इसके बारे में अधिक जानने के लिए वापस कॉल करता, तो आरोपी उन्हें किसी भी टेक्स्ट ऐप के माध्यम से अमेजन ID ठीक करने की बात करते। बदले में वो कहते कि गिफ्ट वाउचर लेना पड़ेगा। ये गिरोह हर रोज 6 अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करते थे। ये लोग अब तक 1,250 नागरिकों से 4 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये थी दिल्ली से हमारे सूत्रों की विशेष रिपोर्ट। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर XNN हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एक्सट्रीम न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।